तकरीबन 500 का आ जाता है खर्चा, एक दिन में 500 का पाँच सौ खर्चा। का तकरीबन आ जाता है। मैं पीसीबी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें पे ना भी दें तो कोई इशू की बात नहीं है, एटलीस्ट पिक एंड ड्रॉप अगर दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर उसमें फैमिली में अफोर्ड नहीं किया जा सकता। कल हमने एक बॉल पिकर से बात की, बताया कि बॉल पिकर्स किस तरीके से मोटिवेट होते हैं जब वो ग्राउंड में आते हैं, लेकिन हमें पता लगा कि इन बॉल पिकर्स जो यहाँ पर आते हैं इनको कोई पीसीबी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता लाइक एक्सपेंस वाइज, या तो ये लड़के खुद अपने शौक की वजह से यहाँ आते हैं अपना पैसा लगा के। तो मेरे साथ ऐसा ही एक बॉल पिकर मौजूद है जिसका यही छोटा सा एक शिकवा है पीसीबी से, लेकिन इससे पूछते हैं कि क्या अरसल क्या वो मामला है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करो। मामला यह है कि हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि पिक एंड ड्रॉप जो है ना वो हमें मिल जाए, क्योंकि यह है कि फैमिली बैकग्राउंड भी कोई इतना उसमें नहीं है, जिस तरह हालात भी जिस तरह चल रहे हैं मुल्क के और फिर महंगाई, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि हम अपने शौक़ के लिए आ जाते हैं, लेकिन यह है कि अगर हमें कंपनसेट कर दिया जाए, अगर एटलीस्ट पे नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हमें पिक एंड ड्रॉप दे दी जाए। तो कितना खर्चा हो जाता है, कहाँ रहते हो और आने जाने में कितना खर्चा हो जाता है एक दिन का? तकरीबन एक दिन का तो अगर हम वैसे, क्योंकि सिक्योरिटी उसकी वजह से अगर हम लोग बाइकें वगैरह करवा लेते हैं तो बाइकें में कम से कम 200-300 रुपए लग जाते हैं, और फिर वापसी उसमें कुछ ना कुछ कर करा के अगर कहीं एक जगह बाइकें पे चले जाएँ, फिर चिंची अगर ले लें तो इस तरह मिला के तकरीबन 500 का आ जाता है खर्चा, एक दिन में 500 का पाँच सौ खर्चा। का तकरीबन आ जाता है। तो क्या चीज़ ऐसा अंदर मोटिवेट करती है जो अपना पैसा लगा के यहाँ आ जाते हो? असल में ये कि हम खुद भी क्रिकेटर हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो क्रिकेट वैसे क्लब लेवल से नहीं हमें देखने को सीखने को मिलती, वो हम यहाँ आके देखते हैं, क्योंकि स्टार्स खेल होते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम उनको देखें और जो जितनी अच्छी चीज़ें उनकी सीख सकें हम वो सीखें, क्योंकि टेस्ट मैच वैसे भी सेशन बाय सेशन चलती है तो उसमें सीखने को पता चलता है कि कैसे सेटअप करना है, किस तरह आउट करना है, कितना सेशन में चेंज लेकर आना है, वो चीज़ें पता चलती हैं, तो उस पर हम इस वजह से आ जाते हैं। अच्छा, किस किस से अब तक मुलाकात हो चुकी है और क्या क्या सीखने को मिला है? अभी बाबर भाई से मुलाकात हुई थी और फिर हेनरी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी ये चीज़, क्योंकि मैं खुद फास्ट बॉलर हूँ तो फिर हेनरी ने भी ये चीज़ें बताई थी कि आप भी फास्ट बॉलर हैं तो आप सिर्फ अपने डाइट का ख्याल रखें और ट्राई करें कि तेज़ बॉल करने की कोशिश करते रहें। अच्छा, तो बाबर आजम की ये भी एक स्टोरी है, बाबर आजम की भी एक स्टोरी है कि बाबर आजम जो है वो बॉल पिकर थे, बॉल पिकर के बाद वो क्रिकेटर बने, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या वो स्टोरी भी मोटिवेट करती है कहीं ना कहीं? जी जाहिर सी बात है कि वो स्टोरी भी मोटिवेट करती है, क्योंकि बॉल पिकर से आप वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन भी बन गए, फिर आप कैप्टन भी थे, तो उस चीज़ को भी एक फिर हमारे जहन में होता है ना, फिर हम भी ये कहते हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और फिर ये लोग भी मोटिवेट करते हैं कि हम लोग भी तुम जैसे ही थे, तुम लोगों ने हम लोग जिस तरह थे तो अब तुम लोग भी आगे इसी तरीके से आओ, तो हमारे भी यही मोटिवेशन है। अच्छा, लास्ट में कैमरे की तरफ देख के कोई रिक्वेस्ट करना चाहोगे पीसीबी के कि हमें पे नहीं चाहिए, एटलीस्ट आप हमारा पिक एंड ड्रॉप अरेंज करवा दे ताकि हम यहाँ पर अपना शौक भी पूरा करें, क्रिकेटर से मजीद जो है वो ताल्लुकात भी हैं और इंट्रैक्शन भी हो सके? जी मैं पीसीबी से यही रिक्वेस्ट करूंगा एंड में कि हमें पे ना भी दें तो कोई इशू की बात नहीं है, एटलीस्ट पिक एंड ड्रॉप अगर दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर उसमें फैमिली में अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो बस यही एक रिक्वेस्ट है पीसीबी। ये बच्चे 17, 18 साल, 16 साल के भी कुछ बच्चे हैं, पूरा एक ग्रुप है, ये अपने जो आंखों में सपने सजाए आते हैं कि एक दिन हम बाउंड्री के बाहर खड़े हैं तो कल को हम स्टार भी बन सकेंगे जैसे क्रिकेटर्स बनते हैं। तो पीसीबी से मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, अगर पीसीबी के कोई आला अहदेदारान ये वीडियो देख रहे हैं तो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एटलीस्ट इनका पिक एंड ड्रॉप आप अरेंज करवाएं ताकि ये बच्चे बआसानी इस ग्राउंड में पहुंचे और फिर इंस्पिरेशन लेके फ्यूचर स्टार बने। तो इस वक्त मुझे जियो सुपर से इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।